तो गाइस आज आपको पूरा 1 लाख का सुख लक्षण देखने मिलेगा, तो व्लॉग को पूरा देखना। चलो मामा एक बार ऐसे कर दो। अरे जोरदार दादी, आप तो दादी डोकरे हो गए हो कुछ तो बहुत। ये भाई का जलवा, कैंची जिंदाबाद। स्वागत आप सबका एक नए ब्लॉग में। तो जैसे कि आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे कि मैं अपने जूते को पूरा धोया था अच्छे से, तो इस ब्लॉग में मैं आपको बोला था कि यार ये ब्लॉग जो आने वाला ब्लॉग है उसमें आपको उस सबका प्राइस देखने मिलेगा। तो सबका प्राइस बताऊंगा मैं आपको, कहाँ से लिया था, कितना साल पुराना हो गया ये भी बताऊंगा, कौन सा फर्स्ट कॉपी है और कौन सा ओरिजिनल है ये बताऊंगा। क्योंकि पहले जितना भी मतलब जूता लेता था मैं सब फर्स्ट कॉपी लेता था अधिकतर, तो बताते जाऊंगा और सबको साथ में अरेंज भी करूंगा अपने अलमारी में, तो दिखाता हूँ। फ्रेंड्स चलते हैं बाहर, आपको बालकनी दिखाता हूँ मैं। पूरा जूता सूख गया होगा अभी तक के, तो देखो। अरे अरे ये गुप्पी का लास्ट वाला देखो, बाकी ये रहा। तो इन लोग को लेके जाते हैं अंदर और आप लोग को लाइन बार से बताते जाएंगे सबका प्राइस, और जमाते भी जाएंगे लाइन बार से। तो गैस इसको साफ भी कर लूँगा मैं रखने के पहले जूते लोग को, तो इसको साफ करता हूँ उसके बाद मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैं पूरे जूते को अंदर ला लिया हूँ, मतलब एक एक पेयर रखा हूँ सबका, दो दो नहीं रखा हूँ। और बाकी इधर अलमारी में देखो सबका एक एक पेयर और डाल दिया हूँ कि बाद में डालना ही पड़ेगा करके, देखो तीन तीन के उसमें है। इधर एक खाली है, इधर नीचे भी एक खाली है, तो ये सब है। और बाकी सबके पेयर इधर, ये दो जूते को अंदर नहीं लाया हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा गीला था ये, क्योंकि थोड़ा सा बाकी छाँव पड़ा था, बाकी तो धूप में पड़े थे सूख गए, तो ये सूखेंगे। तो तब तक मैं बाकी का प्राइस बताऊंगा आपको, तो देखते हैं जल्दी। तो फ्रेंड्स अब मैं शुरू करता हूं आपको मेरे जूते का कलेक्शन दिखाना और उसका प्राइस बताना, तो आराम से देखना ये वीडियो को आप। तो फ्रेंड्स मैं आपको पांच पांच करके दिखाऊंगा अपना जूता। तो ये जो है ये नॉर्मल रनिंग शू था जिसको मैंने 11th में लिया था जब मैं पहली बार जिम चालू किया था, तो ये 450 रुपये का था, देख लो। अभी भी ठीक है, जब भी मैं जाता हूँ तो इसको यूज करता हूँ रनिंग में या तो इसको करता हूँ। ये पहला हो गया और ये हमारा दूसरा जूता था जो उसी के बाद लिया था मैं, एयर गियर। ये भी सेम प्राइस का है, 450 से 500 का है ये। इसमें कुशन ज्यादा है बस, और ज्यादा फर्क नहीं है इससे उसके मुकाबले इसमें कुशन ज्यादा है बस, और कंफर्टेबल ये थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन प्राइस दोनों का सेम था। और अगर मैं अपने जितने भी नाइक या ब्रांड जो फर्स्ट कॉपी में की बात करूं, ये मेरा पहला जूता है जिसको मैं 2017 में लिया था, आज इसको 6-7 साल हो गया है। सिर्फ इसके सामने का ही निकल गया क्योंकि मैं इससे फुटबॉल खेला था, तो देख सकते हो आप इसको, बहुत अच्छा जूता है, फर्स्ट कॉपी है, लेकिन क्वालिटी के नाम में कोई इससे दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसको, सिर्फ यहाँ से ये इसलिए निकले क्योंकि मैं फुटबॉल खेलता था, इसको पहन के सामने से अपन मारते थे करके, तो बाकी तो कोई बात ही नहीं दिक्कत की। इसका प्राइस था 1600 रुपये। ये मेरा पहला जूता है जिसको मैं एकदम मतलब मैं जानता हूँ कितने मेहनत से लिया था मैं पहली बार, क्योंकि नाइक और कबन कभी पहने नहीं थे, और दूसरे को पहनते दिखे थे क्योंकि फुटबॉल खेलने जाते थे अपन, तो भैया लोग पहन के आते थे। तो ये मेरा पहला जूता था जो मम्मी लोग को देख के लिया था, और बहुत पैसा जमा किया था मैं इसके लिए 1600। मतलब उस समय तो 12th के लिए तो बहुत वो था कि जूता लेना है, 1600 रुपये का जूता लेना अपने को। तो ये मेरा पहला जूता था, मतलब नाइक के कोई भी ब्रांडेड जूते में बोलोगे तो आप, ये फर्स्ट कॉपी था लेकिन ये 1600 रुपये का था। और ये देखो लोफर, मतलब फॉर्मल देखो, ये सब ये दोनों 350 का है। एक ब्राउन लिया था मैं क्योंकि कलर अपन पहनते हैं दूसरा ब्राउन दूसरे कलर के साथ, और एक ब्लैक जो नॉर्मल पहनते हैं सब। और इसी के साथ साथ एक मैं कुर्ते के लिए लिया था अपने, देखो देखो छोटी जाए, ये भी 350 से 400 का था, ज़्यादा महंगा नहीं था। और ये दोनों तो अपने को 700 पड़ा था, क्योंकि तो अपन जहाँ से लेते हैं जो जो 6 साल पहले से मैं जो दुकान से ले रहा हूँ, तो मैं अभी भी वही दुकान से लेता हूँ जूता, ये भी वहीं का है। और जितने भी मैं अधिकतर जूते दिखाऊँगा उसमें से 10 जूते कम से कम वहीं से लिया हूँ, बाकी ब्रांडेड बस कहीं और से लिया हूँ। तो देखो ये भी 350 350 का, ये 400 का मान लो, क्योंकि एवरेज मेरे को अच्छे से याद नहीं, क्योंकि इसको अभी सब साथ में लिए थे हम लोग सब दोस्त लोग, तो उसका बिलिंग साथ में होता तो अच्छे से याद नहीं है।
तो बाकी जो भी जूता मैं लिया हूँ उसका प्राइस अच्छे से आ रहा है, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा पूरे का। तो फ्रेंड्स उसके बाद आते हैं अपन अगले 5 कैंडिडेट में, मस्ती कर रहा हूँ। उसके बाद मैं लिया था ये जूता, जो आज तक पापा शायद एक दो बार पहने होंगे फिर वापस कर दिए। 1700 का था ये जूता। मैं इसको अभी तक सिर्फ 2-3 बार पहना क्योंकि ये जूता बड़ा है, 9-10 नंबर है शायद, और मैं 9 या 8 नंबर पहनता हूँ। तो ये जूता 1700 का था, पापा के लिए लाया था मैं। अब वीडियो देखेंगे पापा तो थोड़ा सा याद आएगा कभी पहने कि नहीं पहने। तो ये देखो ग्रीन कलर का लाया था मैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, वो रेड था ये ग्रीन है बस पीछे, और कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये 7वां, ये देखो ये सस्ता था, 1500 का था ये जूता, अच्छा है, मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल है ये, क्योंकि कुछ ज़्यादा कुशन वुशन नहीं, सिर्फ नॉर्मल अगर आपको पहनना है जैसे कि लोअर में पहनते कई लोग, तो उसके लिए बहुत बढ़िया ये। 1500 मिल गया था मैं इसको। 8वां, और ये वाइट जूता, मेरे लाइफ का पहला वाइट जूता है ये, एडिडास का है, ये भी फर्स्ट कॉपी, वो जो दोनों दिखाया मैं वो भी फर्स्ट कॉपी था, देखो ये भी फर्स्ट कॉपी है। ये जूता मैं दे दूंगा किसी को क्योंकि जो इसका अगला पेयर है उसका यहाँ का सोल निकल गया है। ये जूता था 1700 का, ये भी फर्स्ट कॉपी है। मैं जो भी है सारी बता रहा हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है सेकेंड कॉपी, जब वो ब्रांडेड है ये है वो है, क्योंकि कुछ कुछ जूते ऐसे हैं जिसको आप पहचान नहीं पाओगे जो ओरिजिनल है कि क्या है। ये भी फर्स्ट कॉपी ईमानदार से बता रहा हूँ मैं, ये 1700 का था। ये मेरा फेवरेट जूता है, फर्स्ट कॉपी में अगर आप बोलोगे मेरा फेवरेट जूता कौन सा, तो ये एक जूता है जो सबसे फेवरेट है मेरा, ग्रीन कलर में, देखो इसको बहुत बहुत प्यारा लगता है मेरे को ये जूता। ये है 1800 का ग्रीन कलर, मतलब बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये जूता है, दम मतलब अब बता नहीं सकता मैं आपको, बहुत अच्छा लगता है, फर्स्ट कॉपी में सबसे अच्छा वो यही लगता है। और इसका प्राइस है 1700 या 1800 था शायद, क्योंकि सबका प्राइस सेम था उस समय, अब तो समझ लो 2200-2300 में हम लोग जूता लेते जो लेते हैं। देखो ये भी 1800 मान लो, एवरेज बता रहा हूँ मैं, 1900 से 1700 के ऊपर अभी ये जो जूते बता रहा हूँ उसके से कोई सा भी नहीं है। ये जूता 1600 रुपये का था, ब्लैक कलर का, ये मेरा पहला जूता था ब्लैक जो मैं भैया के पास सिल लिया था, बिलाई से लेता हूँ मैं, अनुशु नाम है, आप बता नंबर भी डाल दूंगा मैं एक बार भैया का, भैया के साथ बहुत अच्छा संबंध है अपना। देखो इसको इतना पहना हूँ कि देखो यहाँ से डैमेज हो गया, देखो ये भी 1600-1700 के अंदर है ये, तो क्योंकि बहुत पुराना जूता है ये, बहुत पुराना जूता है ये, जितने भी दिखा रहा हूँ मैं उसको सबको 5 साल के ऊपर हो गया है, देख लो इसको भी, सबको मैं 12th में लिया था। अब लाता हूँ मैं अगले 5 को, इन लोग को हटाता हूँ उनको लाता हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं 5 जूता और ले आया हूँ यहाँ टेबल में, और सबसे सस्ता अगर जूता बोलोगे आप मेरे पास कोई सा है और जो अच्छा है तो वो ये है, देख सकते हो आप, इसको हम लोग जब अभी दिल्ली गए थे सब कॉलेज के ट्रिप से तो इसको मैं लिया था, फर्स्ट कॉपी है ये भी, 450 रुपये का बताओ ये, देख सकते हो आप, देखो सोल भी ज़्यादा गंदा नहीं, ज़्यादा पहनना नहीं हूँ मैं इसको, 2 बार पहना, वाइट है गंदा हो जाता है तो इसको फिर धोना पड़ता है, देख सकते हो आप बहुत प्यारा है। 450 में तो मेरे को लगा नहीं था मिलेगा इतना भी, नहीं तो अपन और ले लेते। तो ये एक हुआ, ये 450 का था, ये ब्लैक में है एक और, क्योंकि वाला का थोड़ा सा सोल वोल निकल रहा है, देखो इसको, ये 1900 में लिया था मैं, ये भी फर्स्ट कॉपी है देख सकते हो, ठीक है मतलब पहनने के लिए बहुत अच्छा ब्लैक है, ये 1900 का था। ये है अपना रिबॉक, इसको मैं लिया था 2600 का, देख लो ये भी फर्स्ट कॉपी है, ये ऑर्डर से मंगवाया था मैं क्योंकि भैया व्हाट्सएप में भेजते भी हैं, देखो 2600 का ये। एक ये है देखो उसका डिजाइन, इसको मैं लिया हूँ, और मेरे फ्रेंड एक और क्लासमेट है अपना बिट्टू नाम है उसका, वो भी सेम जूता लिया है, क्या पता क्यों लिया है, ये 1900 का था, 1900 या 2100, ये 2400 का था, देखो प्यूमा, ये भी सेम एक भाई लिया अपना संदीप, दोनों रूममेट है बिट्टू और वो बिट्टू मैं देख के लिया है, संदीप देख के लिया है,
कमेंट में गाली तो बकेंगे वो लोग, मतलब क्या बोले, देख के लिए तो देख के लिए, मानेंगे नहीं। ये 2400 का था, अब लाते हैं अगले 5 को। तो फ्रेंड्स अब फर्स्ट कॉपी का पूरा लास्ट होने वाला है, तो पहले चालू करते हैं अपन थोड़े सस्ते से, जो इसमें सस्ते हैं, वैसे सस्ते नहीं बोलते अपन जूते को, क्योंकि मेरे को पता 1600 का जूता लेने मेरे को हालत ख़राब हो गया था पहला जूता लेने में। देखो ये भी, इसको भी 5 साल हो गया है। देखो मानो कि देखो इसका सोल निकल गया है, लेकिन मैं पहनता हूँ इसको क्योंकि है मतलब कुछ कुछ जूते फेवरेट रहते हैं जो आप लेते हो मेहनत से। देखो ये भी 1700 का है, और ये सेम जूता को मैं दिल्ली में देखा था जब अभी गए थे, तो जैसे कि 450, इसको मैं देखा था 550, पर टीचर लोग बोले चलो यहाँ से चलो, तो उस समय ले नहीं पाया था, बोले तो लोग वापसी में ले लेना, लेकिन वापसी वहाँ से हुई नहीं अपनी। नहीं तो मैं ये जूता सेम जूता था, सेम इसको लेके जरूर आता, क्योंकि 550 का था वो, लेकिन मैं लेता जरूर। उसका देखो ये ब्लू में, ब्लू नहीं बोलते इसको, जो भी बोलते हैं। देखो इसका डिजाइन, देखो इसका कलर, रात को बहुत प्यारा दिखता है। ये 2100 का है, एयर जूम बहुत अच्छा है, इसका भी कुशन बहुत अच्छा देख सकते हो आप, 2100 का था ये। और एक ये जूता है, देखो इसमें थोड़ा सा मतलब साफ नहीं हो पाएगा अभी, थोड़ा इसको मिल गया वो। देखो ये भी नाइक का ही है, सब फर्स्ट कॉपी जितने मैं दिखाया हूँ अभी, हाँ सब फर्स्ट कॉपी था। देखो एक ये है, ये भी फर्स्ट कॉपी है, ये भी 1800 का है, 1800 से 2000 का होगा शायद ये, क्योंकि ये अभी अभी लिया हूँ मैं, क्योंकि और अभी अभी का पूरा 1900 के ऊपर ही कर दिए जूता। देखो ये सिंपल है, लेकिन इसका भी रेट 1900 कुछ है, प्यारा कलर है, ज़्यादा कुछ एकदम वो नहीं तामझाम वाला, क्योंकि मैं इसको लिया था। देखो बहुत प्यारा ये भी। और ये लिया हूँ मैं एसएक्स का, ये भी ऑर्डर से मंगवाया था, बहुत प्यारा है ये देख सकते हो, बहुत प्यारा है। एसएक्स का पहला जूता था मेरा, ये पहला जूता था क्या, पहला जूता है, बहुत महंगा पड़ा, ये 2600 का है, फर्स्ट कॉपी है ये भी। तो अब आते हैं हम लोग ओरिजिनल में, जिससे थोड़ा सा मेरे जेब में भी बहुत फर्क पड़ा था, और उसके इतना फर्क पड़ा है कि अभी मैं बहुत कई एक साल से मैंने जूता ही नहीं लिया हूँ, मान लो एक साल से लिया ही नहीं अब कोई जूता, समझ लो, सॉरी झूठ बोल दिया मैं थोड़ा सा, 5 महीने पहले भी लिया हूँ मैं ये सब जूते को, एक साल नहीं हुआ है, सॉरी। तो फ्रेंड्स अपन आ गए प्यूमा में, इसी की बात कर रहा था मैं, इसी को मैं ठंडी में लिया था रायपुर से, तो ये पूरा 35 का था, लेकिन उस समय ऑफर चल रहा था, तो ये 23000 कुछ का पड़ा था हम लोगों को, हम लोगों को क्या मेरे कोई। देखो ये एक जूता लिया हूँ मैं, बहुत प्यारा कलर है, हट के कलर है, देखो पीछे प्यूमा का लोगो, इधर प्यूमा का नाम, ये अपने को पड़ा था 6 या 7000 का पड़ा था, सब जूता वैसे ही का ही है, लेकिन ऑफर पड़ने के बाद अपने को नहीं पता कितने का पड़ा था, लेकिन देखोगे तो ये 7 का ही था, बहुत अच्छा था ये भी, पहना नहीं उसको मैं एक बार भी, देख सकते हो आप, धोया क्या मतलब कुछ पहना ही नहीं, देख लो इसको थोड़ा ज़्यादा रखते थे, वैसे ही गंदा मतलब। और सबसे ज़्यादा जिसको मैं रगड़ा हूँ अभी तक के वो ये है, बिना लेस का जूते हैं ये, देख सकते हो आप, जैसे कि हमारी मम्मी लोग पहनते हैं, या कोई लेडीज लोग भी जो स्कूल या कॉलेज जाते हैं, लड़की लोग लोग पहनते हैं। ये भी सेम प्राइस का है, 7000, थोड़ा सा इसका धागा निकाल गया क्योंकि मैं ट्रिप में गया था, तो इसको कुछ ज़्यादा ही पहन दिया था, पत्थर वत्ता इधर उधर। ये एक प्यूमा का, ये 5.5 का है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल, अगर नहीं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो ये है, ये भी है लेकिन इसका ठीक ठाक है ये। देखो ये 5.5 का था, प्यूमा लिखा हुआ है, पीछे लोगो है, ये ओरिजिनल है, जो मैं ये जो दिखा रहा हूँ 5 जूता ये ओरिजिनल है, और जो 2 जूता है जो बचा है लास्ट में दिखाऊंगा मैं, तो सबसे महंगा है अभी तक का मेरे जो मैं लिया हूँ अभी तक के। और ये भी जूता है 7000 का, प्यूमा का, वाइट कलर का है, इसको लेने के बाद बहुत सोचा हूँ मैं, एक बार गया था 2 महीने पहले, उसके बाद मैं लेके आया हूँ इसको 2 महीने बाद फिर से जब गया था, तो देखो इसलिए नहीं ले रहा था मैं इसको कि इधर मिट्टी मत घुस जाए, या अपन सोचते ही छः, क्योंकि धोने का तो इतना हो नहीं पाता, और धोते तो आप देखो कितना टाइम लगा है पिछले ब्लॉग में अगर आप देखे होगे तो। देखो विराट कंपनी का ही है, समझ लो ये होनेट प्यारा, इसको पहनते कम है अपन सिर्फ पार्टी वार्टी में, और बरसात आने वाला है अब तो इसको पहनने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं ना पहनना है, वैसे गलती भी नहीं करना है।
ये देखो हट के है, इसको मैं नहीं धोया हूँ तो बोलना मत कि गंदा जूता है, कैसे तू धोया था करके। तो ये जूता है 8000 का, देख सकते हो, थोड़ा हट के था, प्यूमा में करके मैं इसको लिया हूँ। देखो इसका लोगो कुछ इस टाइप का दिखता है ये। तो ये 8000 का था, नहीं पता ऑफर पड़ के कितने का पड़ा, टोटल 35 हो रहा था लेकिन 23 अपने को पड़ा है। तो एवरेज आप निकाल लेना, अगर डिवाइड करके निकालना है तो। अब मैं दो जूता दिखाने वाला हूँ जो मैं लिया हूँ, जो तो इन पांचों के बराबर समझ लो, वो दो ही जूता, तो दिखाता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स ये वो दो जूता है, देख सकते हो आप, थोड़ा सा शौक था करके मैं लिया हूँ, और उस समय अपन थोड़ा सा ठीक ठाक काम कर रहे थे तो इसलिए ले लिए। तो ये जूते को मैं पहले लिया था, इन लोग से ही पहले लिया था, इन लोगों को तो पहना नहीं हूँ मैं, क्योंकि अब थोड़ा सा इस टाइप का कॉलेज वॉलेज से आते हैं अपन तो बाइक में यहाँ पे निशान पड़ जाता है गियर के कारण। तो ये है जॉर्डन, जॉर्डन 3 है शायद ये, अगर नाम देखना पड़ेगा, नाम अच्छे से याद नहीं है, देख लो इसको। जॉर्डन तो आप लोग जानते हो कि प्लेयर का नाम। तो ये अपने को पड़ा था 10,300 रुपये का, जिसको मैं रायपुर से लिया था 10,300। पहली बार लिया, एक बार रिएक्शन भी देखेंगे घर वालों का, ये सब बता के देखेंगे घर वाले, तो वीडियो भी देखते ही नहीं मेरा तो घर वाले, तो ये डाल भी दूंगा तो उनको रेट पता चलेगा नहीं, तो एक बार रिएक्शन वीडियो बनाएंगे जरूर। थोड़ा सा गंदा है, इतना अच्छे से साफ नहीं हो पाए मेरे से, देख सकते हो आप, तो कुछ इस टाइप का है। 10,300 पड़ा था, ठीक है, अच्छा प्यारा जूता है करके तो लिए थे। अच्छा, और ये थोड़ा सा उससे ऊपर, इसको हम लोग अमृतसर गए थे, मैं और अंश, एक भाई है बुआ का लड़का और दादा, हम लोग गए थे, तो अंश और मैं गए थे इसको लेने, उसको भी अच्छा लगा था जूता। तो ये 13,300 पड़ा था, देख सकते हो, अब नहीं पता कम हुए कि ज्यादा। तो हम जब अमृतसर गए थे तब इसको लिया था मैं, बहुत प्यारा जूता है, मजा आता जब भी पहनते हैं इसको, पहले ही हाई एंकल टाइप का जूता है ये, पहला जूता है अपने पास, और कुछ तो नहीं है। तो ये एक जूता है, इसका यहाँ पे चीप भी था, इसको मैं निकाल दिया हूँ, इस पर एड्रेस लिखा हुआ है। तो यही कुछ था हमारा कलेक्शन। तो शुक्रिया यहाँ तक पूरा वीडियो को देखने के लिए, देखते हैं अगर रात को या अभी थोड़ी देर बाद कभी ब्लॉग, और पूरा डेली ब्लॉग बनाना है अभी, मतलब शाम का भी, तो उसको भी मैं इसी में ऐड करके डाल दूंगा, नहीं तो फिर सिर्फ जूते का ही डाल दूंगा। तो देख सकते हो, एक बार वीडियो के लिए मैं ले लेता हूँ थंबनेल के लिए ऐसे करके, इसी से मैं स्क्रीनशॉट करके थंबनेल डाल दूंगा। तो शुक्रिया, तो यही था हमारा। अब इसका टोटल प्राइस एक बार टोटल करते हैं और आपको जरूर बताएंगे कि कितना था टोटल, क्या होगा टोटल, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका टोटल हो गया है जो 80 से 1 लाख तक के आ रहा है। तो थंबनेल में अपन थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे क्योंकि व्यूअर लोग को थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ पसंद है, तो अपन थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे, 80 से 1 है तो 1 ही डाल देंगे अपन, रॉन्ग फिगर। तो अभी लोग को जमाता हूँ मैं अलमारी में, तो टाइम लैप लगा देता हूँ, तो टाइम लैप भी जरूर इन्जॉय करना आप। देख लो पूरे जूते अरेंज हो गए हैं, और अब लग रही बहुत भूख, तो चलते हैं नीचे, कुछ मैगी बनाएंगे या कुछ खाना होगा या बचा होगा दोपहर का, तो उसको खा लेंगे चुपचाप। तो चलते हैं, बहुत भूख लग रहा है, नीचे जा रहा था। और देखो ये वो एडिडास जो 13,000 वाला था, और ये अपना वो जॉर्डन। तो बॉक्स वॉक्स इधर ही रख देते हैं, ऐसे स्टोर रूम टाइप का है। तो चलते हैं नीचे कुछ खाने, अब इसको रहने देते, इसका कुछ काम ही नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं दुकान आया हूँ, शाम भी हो चुकी है, हमारा चूजू इसको एक बार वीडियो में आना जरूरी है, कैसे तेरे को वीडियो में आना जरूरी है, नहीं तो फिर क्यों आता है, नहीं है ना जरूरी, हाँ तो फिर खड़ा हो जाता है फोटो खिंचाने, मारूं।
तो गाइस मैं निकल गया हूँ दाबेली खाने, तो देखते हैं कुछ खाने का, चौक जा रहा हूँ। एक प्लेट चाट दे देना ना भाई। देखो मैं गुपचुप खाने आया था, कितना भीड़ था यहाँ पे। तो गुपचुप खा लिए थे अपन, ये चाट का ऑर्डर था, चाट आ गया। तो गाइस मैं मामा को लेने आया हूँ, तो देखते हैं मामा कब तक आएंगे। तो गाइस मैं मामा को लेके आ गया हूँ, तो आ गए मामा। गाइस हम लोग आए थे ब्रेड खाने, और ये लल्ला भक्को भी आज छोटी दीदी। मैं मामा और चंचल को लेके आ चुका हूँ घर, और उस चंचल को गुपचुप खिला के भी ले आया हूँ। और वहाँ पे थोड़ा सा हो गया था कि जहाँ मैं फलूदा खा रहा था वहाँ पे पैसे ही नहीं दे पाया, क्योंकि ऑनलाइन का नहीं था, वहाँ चंचल को देना पड़ गया। तो अब आ गए हैं घर, अब मम्मी रोटी बनाने गई है, देखते हैं। अब मामा लोग को छोड़ने भी जाना पड़ेगा 8 बजे। ये ग्राहक और ये दादा। चलो मामा इधर आ, इधर आ, ऐसे पकड़ के। वैस अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी की चाबी लेने, क्योंकि मामा लोग को छोड़ना है, और 15-20 मिनट बचा है तो चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीच में फाटक बंद था। और आप लोग तो जानते हो हमारा किस्मत कितना जोरदार चलता है फाटक के मामले में। चाबी उठाते हैं और निकलते हैं। वैस चाबी ले लिए हैं। कैसे जी, एक बार ऐसे कर दो। अरे जोरदार दादी, आप तो दादी डोकरे हो गए हो, कुछ तो दौड़ो फाड़ो। तो गाइस चलते हैं अपन, चाबी मिल गई है। ऐसे हम लोग जहाँ से बस उठाती वहाँ पे आ गए थे, देखो हाईवे में। और मामा देखो कुकी भी आ गए, देखो चंचल और मामा। कितना सही खाने को लाइन क्या 10 मिनट हैं, 10 मिनट हो गया गाइस हम लोग को यहाँ बैठे बैठे, और अभी तक आई नहीं है बस। देखते हैं कब आएगी, होगा अगर 10-15 मिनट लेट होगा। ये वही है इसका, तो उसका कोई पहचानते नहीं होंगे इसको आप लोग, इसके भाई को पहचानते होंगे, उसी के कारण मेरे ब्लॉग में 1700 व्यू आया था। देखना ये वाले में डिसलाइक मत ला जाए तेरे कारण। और आ गया ना, तो इस पक्का बताता हूँ मैं। टर्न पेपर सीजर, बहुत टर्न पेपर सीजर, ये भाई का जलवा, कैंची जिंदाबाद, बहन का जलवा नहीं बोली लेना। कुछ बोल ले। हाँ वो कैमरा लगा दे। अरे तू जल्दी बोल पहले। कोई तो जीतो रे। हेलो ठीक है। आज स्टोन पेपर सीजर भी खेल लिए, दूसरी बस भी आ गई, हमारी बस नहीं आई है, रॉयल की आ गई है, देखते हैं कब आएगी, सब बैठे हैं अभी। तो फ्रेंड्स आखिर हमारी बस आ गई है कांकेर, तो चलते हैं, छोड़ते हैं और निकलेंगे अपन भी घर, कल सीटी है, पढ़ना भी है। चलो मामा फोन लगाना। बस मामा को छोड़ दिया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ घर, जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे दो आंसर, क्योंकि कल सीटी है, तो चलते हैं घर। तो रोज़ की तरह अभी भी फाटक बंद, बुलकाते हैं गाड़ी। तो गाइस आ गए हैं घर, गाड़ी हो गई है पार्क, दुकान नहीं, अब सीधा ऊपर जाना है क्योंकि पढ़ना है। तो गाइस मामा लोग को छोड़ के आ गया था और मैं चेंज कर लिया हूँ, जीन्स वीन्स मतलब चड्डी में आ गए अपन नाइट ड्रेस में। तो चलते हैं खाना खाने, सब लोग खाना खा रहे हैं, अपन भी खाते हैं साथ में जाके, या खा लिए होंगे तो अपन अकेले खाना पड़ेगा। तो चलते हैं देखते हैं क्या है। तो गाइस देखो लाल भाजी और अचार ले लिया हूँ मैं रोटी के साथ, देखो नूर लोग गए थे सब्जी लेने अपने लिए, तो थोड़ा सा बच गया तो इसको अपन ले लेंगे, तो खाते हैं जल्दी। तो गाइस चलते हैं ऊपर पानी बोतल के साथ। तो गाइस मैं जा रहा हूँ अपने रूम, पानी बोतल ले लिए, सब चीज़ हो गया, खाना वाना अपना। और व्लॉग भी आज का ठीक मतलब लंबा बना है मैं मानता हूँ, लेकिन अब जानकारी देने के लिए मुझे लंबा बनाना पड़ा। और मामा लोग आए थे तो मामा लोग को छोड़ने भी गए थे, तो ये व्लॉग में था इतना ही। अब सोएंगे नहीं, अभी थोड़ा सा पढ़ लेंगे कार्ड आंसर, कल का सीटी देने चले जाएंगे। भले नंबर ठीक ठाक आया था इसमें, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि अब कल लास्ट सीटी चले जाएंगे, मैडम से बात कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट का। तो ये होता है व्लॉग ख़त्म, शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।